होती है। रीढ़ की हड्डी के बजाय अगर मैं कहूं तो जैसे रक्त धमनियों में बहता है और हृदय का काम होता है कि अगर रक्त चालू नहीं होगा तो शरीर काम नहीं करेगा। अगर किसी सरकार के काम में से या किसी भी संस्था के काम में से वित्त को निकाल दिया जाए तो क्या एक कदम आगे बढ़ना संभव है? संभव नहीं है। तो वित्त की व्यवस्था ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण जिसको कहना चाहिए आयाम है। वित्त की व्यवस्था नहीं होगी तो चाहे व्यक्ति का जीवन हो, चाहे परिवार का जीवन हो, चाहे किसी का व्यापार हो, चाहे कोई कंपनी हो, चाहे कोई संस्था हो, चाहे सरकार हो, उसके फेल होने में देर नहीं लगती। घाटा हो गया जी, क्यों हुआ? प्रबंधन ठीक नहीं था। और घाटा होने के बाद फिर व्यक्ति की दशा क्या होती है ये सब हम जान सकते हैं। तो जैसे एक व्यक्ति, एक परिवार, एक यानी बिजनेस का संस्थान, उसके लिए प्रबंधन अच्छा काम करता है तभी जीवन या यानी सफलता मिलती है, वैसे ही सरकार में होता है। और सरकार का तो एक और पहलू भी ध्यान रखने लायक है कि सरकार का वित्त, जैसे किसी व्यक्ति का अपना वित्त जो होता है वो अपना ही होता है, उसके ऊपर अधिकार उस व्यक्ति का होता है, उस परिवार का होता है, लेकिन सरकार का जो वित्त होता है सरकार का कोई अपना वित्त नहीं होता, यानी अपना कोई अधिकार नहीं होता है, ये जनता का वित्त होता है। ये पैसा जनता से पाई पाई टैक्स के रूप में लिया जाता है, जनता की कंट्रीब्यूशन है, इसलिए हम सरकार के लोग तो उसके प्रहरी हैं, ट्रस्टी हैं। अगर जनता का विश्वास अपने ट्रस्टी से उठ गया तो उसको 5 साल बाद मौका मिलता है कि मुझे अपना ट्रस्टी वही रखना है जिस पर ट्रस्ट है, या ट्रस्ट उठ गया तो फिर सरकार भी नया ट्रस्टी आ जाएगा। तो इसलिए इसका प्रबंधन, वित्त विभाग का प्रबंधन, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और महत्वपूर्ण एक दूसरे कारण से भी है। हमारे एक संघ के अधिकारी थे, संघ में कई विभाग होते हैं, ये शारीरिक विभाग है, बौद्धिक विभाग है, व्यवस्था का विषय है, संपर्क विभाग है, जो लोग संघ को जानते हैं उनको पता है 8-10 विभाग होते हैं। तो उन्होंने एक दिन पूछा अपने संशोधकों से कि भी बताओ संघ का जो विभाग है उसमें सबसे महत्वपूर्ण विभाग कौन सा है। सब चक्र में पड़ गए कौन सा महत्वपूर्ण, कोई भी कम महत्व का नहीं, सारे ही महत्वपूर्ण है कि नहीं, फिर भी बताओ एक सबसे महत्वपूर्ण कौन सा। तो किसी ने कहा बौद्धिक विभाग, किसी ने कहा शारीरिक विभाग, किसी ने कहा व्यवस्था विभाग, किसी ने संपर्क विभाग, जितने विभागों के अलग अलग जिसको जो ध्यान में आए वो सब बता दिए। तो कहने लगे ये प्रश्न मैं पूछ रहा हूं, अब फिर ये असमंजस की बात, वो कहते मैं पूछ रहा हूं, बड़ा जोर देके कहा तो समझ में नहीं आया। तब उन्होंने कहा कि देखिए मैं बताता हूं कौन सा सबसे महत्वपूर्ण विभाग है, कि कौन सा, कि सबसे महत्वपूर्ण विभाग है शारीरिक विभाग। तो एक ने पूछा जी क्यों, इसका कारण बताओ, कि बड़ा सिंपल सा कारण है कि मैं अखिल भारतीय शारीरिक प्रमुख हूं इसलिए शारीरिक विभाग सबसे महत्वपूर्ण है। तो आपको ध्यान में आया वित्त विभाग क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका लाइटर वेन में, लेकिन मैं वित्त मंत्री न भी होता तो भी वित्त विभाग बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके लिए बहुत से आयाम है हमारे यहाँ, ऑडिट है, इसकी प्लानिंग है, इसमें बजट है, ये सब चीज़ों का हिसाब रखना पड़ता है। हर वर्ष हम एक बजट बनाते हैं, कितना आएगा, कितना कहाँ जाएगा, कहाँ कहाँ से आएगा, कहाँ कहाँ जाएगा, उसका संतुलन बैठाना पड़ता है। और फिर केवल साल में एक बार नहीं, हर बार जो विधानसभा का सत्र होता है तो उसके अंदर हम रिवाइज करते हैं, सप्लीमेंट्री लाते हैं, ताकि कहीं बीच में कोई गड़बड़ ना हो जाए। और फिर एक उसका एक पहलू है कि कभी कभी खर्चा ज्यादा होता है, इनकम कम होती है, तो ऋण लेना पड़ता है। और जब ऋण लेना पड़ता है तो उस समय विचार करना पड़ता है कितना ऋण लें, क्योंकि आज ऋण मिलता बहुत है, कहीं से भी ले लो, देने वालों की कमी नहीं है।
लेकिन प्रश्न तो यह है कि विचार करना लेने वाले को कितना लिया जाए। मैं आपको अपने बचपन की घटना सुनाता हूं। मैंने जो पढ़ाई छोड़ करके व्यापार करने का विचार मन में आया, गांव से चला, दिल्ली में जाके दुकान करनी है, ऐसा एक विचार बन गया। हमारे दादाजी कोई बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे, पुराने जमाने की कोई दो चार क्लासेस पढ़े होंगे कभी, लेकिन बिजनेस किया था उन्होंने अपने जीवन में। मुझे कहने लगे बेटा जाओ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, दिल्ली में जा रहे हो, बहुत लोग लोक लुभावन बातें लेकर के तुम्हारे पास आएंगे। एक ही बात ध्यान रखना कि बिजनेस में तुम्हारे पास अगर जेब में एक रुपया है तो बाजार का जो मैक्सिमम पैसा और लेके लगाना वो एक ही रुपया लगाना, इससे ज्यादा मत लगाना, देने वाले बहुत आएंगे। अब वो तो कोई पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनको भी अपने उस अनुभव के आधार के ऊपर क्या कहते हैं GSDP डेट रेशो, यही होती है ना कि जो आज की डेट रेशो का जो हिसाब लगाते हैं कि हमने कितना ऋण लेना है, इसका पैरामीटर ये हम तय करते हैं। वैसे तो केंद्र सरकार, रिजर्व बैंक, फाइनेंस मिनिस्ट्री ये तय करके भेजती है कि इससे ज्यादा नहीं लेना। तो अभी हमने जो हिसाब लगाया पिछले कई वर्षों का, तो जो ऋण की सीमाएं हैं, भले कोविड आया, कोविड में खर्चे ज्यादा हुए, रेवेन्यू कम आया, फिर भी हमारे वित्त विभाग का प्रबंधन, मैं इसका श्रेय अपने TVSN प्रसाद और उनकी टीम को देता हूं कि इन्होंने उस विभाग के जो प्रबंधन को, जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है, उस समय 3% मैक्सिमम लिमिट थी, बाद में उसको केंद्र सरकार ने बढ़ा करके राज्यों के डिमांड पर 5% कर दिया, लेकिन हमारा आज भी जो फिस्कल डेफिसिट है 2.90 ही है, इसे बढ़ा नहीं है। ये अच्छे वित्त प्रबंधन की एक निशानी है। एक विषय होता है कि जो GSDP और जो डेट है उसकी रेशो होती है कि टोटल GSDP कितना है, आज हमारा कितना है, लगभग 8 लाख। तो उसकी लिमिट जो है उसकी भी 25% रखी हुई है केंद्र सरकार ने। हम उसमें वेल विद इन अवर लिमिट, जो ये विपक्षी लोग कह देते ना कभी कि आपका ऋण 2 लाख करोड़ हो गया है, हर साल बढ़ेगा वो, लेकिन लिमिट के अंदर रखना बहुत जरूरी है। तो वो जो 25% की लिमिट है हमारा, वो 23.27% आज भी लिमिट है, और जबकि पंजाब उसको पार करके 42% पर पहुंच गया। इतना बड़ा अंतर है। आखिर ऋण लेने में आपत्ति नहीं है, लेकिन ऋण को चुकाना भी तो है। एक ऋषि नाम, मतलब कहने को तो ऋषि हैं, अर्थशास्त्री हुए हैं, चार्वाक ऋषि ने अपने समय में एक वाक्य बोला था, कंट्रोवर्सी है, कुछ लोग कहते अच्छा बोला था, कुछ लोग कहते नहीं, डुबोने वाला बोला था, क्या, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, कि जब तक जियो सुख से जियो, चाहे ऋण लेके घी पियो। अभी आज से हजारों साल पहले उन्होंने कहा। अब इसको कोई भी सफल अर्थशास्त्री कभी भी ठीक नहीं मानेगा, लेकिन कुछ लोग उसको भी ऋषि कहते हैं कि चार्वाक ऋषि हुए हैं। अब क्या उनकी थ्योरी रही होगी मालूम नहीं, लेकिन फिर भी ऋण को सीमा में ही रखना होता है। सीमा पार हुई तो अगली पीढ़ियों को आप ऋण के अंदर डुबो करके जा रहे हैं। हाँ, ऋण अपनी जो GSDP होती है उसके हिसाब से हम बढ़ा सकते हैं। जब 2014 में हमने सरकार संभाली, उस समय हमारे विपक्षी मित्र एक बड़ी चतुराई से एक आंकड़ा बोलते हैं कि उस समय हमारा 61,000 करोड़ रुपया ऋण था। पहली बात तो है कि 61,000 ऋण जो था वो जो 14 का बजट था, यानी 13-14 का जो बजट, 13-14 के समाप्ति पर वो उनका प्रोजेक्शन। लेकिन हम तो सरकार में आए नवंबर 2014 में, तो उस समय तो जो 14-15 का बजट था उसका प्रोजेक्शन चल रहा था। नवंबर में आके हम क्या कर लेते, वो तो जो पहले चल रहा था वो हो गया था 71,000 करोड़, तो 10,000 करोड़ तो वहां खा जाते हैं। फिर उस समय पावर डिपार्टमेंट का एक बहुत बड़ा ऋण,
जो पावर डिपार्टमेंट की कंपनियां ही देती थी उन्हीं के नाम था। उस समय लगभग 29,000 करोड़ रुपया वो ऋण हो चुका था, उसको वो अपना ऋण मानते ही नहीं थे। हमने आने के बाद 27,000 करोड़ रुपया पावर डिपार्टमेंट का जो ऋण था वो सरकार में लेकर के उसको चुकाया। तो अगर देखा जाए तो 71 और 27 कितना हुआ, 98,000 करोड़। तो उस समय वो 98,000 करोड़ रुपए का ऋण छोड़ के गए थे, जिसको वो 61,000 कह रहे हैं। तो इसलिए 50% झूठ तो वहां बोलते हैं। अभी भी पत्रकार बंधुओं से खास करके मैं बताना चाहूंगा कि 61,000 और 98,000 इस झूठ को आप लोग उजागर करो कि उस समय 2014-15 का जो, यानी 2015 का बजट जिसको कह सकते हैं, उस समय 98,000 का घाटा था। और हर 6 साल के बाद, चाहे बजट हो, चाहे सैलरी हो, चाहे और कोई सिस्टम हो, हम जानते हैं कि डबल हो जाता है। अगर हम अपनी आय भी समझ लेंगे तो 6 साल के बाद सबकी डबल हो जाती है, मोर और लेस। किसी के 7 होते हैं, किसी के 5 हो जाती होगी। तो 6 साल में हम 1,00,000 का, यानी 98,000 का 2,00,000 करोड़ रुपया तो ऑटोमेटिकली बनता है, क्योंकि उस हिसाब से GST भी बढ़ गई है। GSDP बढ़ने के बाद हमें 2,00,000 करोड़ रुपये का ऋण लेना ये सामान्य है। और आज हमने 8-7 साल के बाद भी 2,00,000 ही रखा हुआ। तो इसलिए कहीं भी ऋण की समस्या हमारी नहीं है, और प्रबंधन में भी हमारी कोई कमी नहीं है। प्रबंधन में भी हमारे ऋण की जो प्राप्तियां हैं वो जितनी कोविड में थी अब इस वर्ष उससे बढ़कर के आने वाली है। कोविड में स्वाभाविक कम हुई थी, कोविड में उल्टा खर्चे ज्यादा हो गए थे, क्योंकि और खर्चे खास करके रेवेन्यू एक्सपेंसेस, दवाई का खर्च, लोगों को रोज, यानी जो कंपनसेशन देना था उसका खर्च, बच्चों के लिए विशेष स्कीमें बनाई, कोविड के जिनकी मृत्यु हुई उनको पैसे दिए, तो ऐसे सारे खर्चे उस समय और लगभग 1500 करोड़ रुपये हमारा बढ़ गया था। कोविड का 1500 करोड़ रुपये का एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इस सारे मामले में हरियाणा सरकार देश के सभी प्रांतों में जिसको कहना चाहिए अव्वल दर्जे की वित्त व्यवस्था इस समय हमारी है, कोई हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, हर वर्ष आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ने के लिए खर्च करना भी आवश्यक है, खर्च को बढ़ाना भी आवश्यक है। वहीं पर खर्च बढ़ाएंगे तो आमदन भी आवश्यक है। तो उस आमदन के लिए हमने जनता से जरूर आह्वान किया है कि जनता इसमें योगदान करे। जन भागीदारी बहुत जरूरी है, आखिर तो बजट जनता से ही आएगा, जनता में ही जाएगा। तो इसलिए जन भागीदारी का, जनता से जो दे सकते हैं उनसे लेना, और जो डिजर्व करते हैं वापसी, जिनकी वेलफेयर में देना होता है उनको देना। तो जिनसे दे सकते हैं उनकी पहचान की जाती है कि भाई ये वेल्स, यानी सेटल्ड आदमी है, ये साधन संपन्न है, इसकी इनकम अच्छी है, आय अच्छी है, उससे लिया जाए। या ट्रेड ट्रांजेक्शन जो होती हैं, GST है, VAT है, कोई माइनिंग का पैसा आता है, कोई टिकटों में से आता है, कोई वाहन रजिस्ट्रेशन का आता है, तो ये सारे खर्चे उसमें से थोड़े थोड़े, जैसे चिड़ी चोंच भर ले गई नदी न घटियो नीर। तो जितना चिड़ी की चोंच इसने भरनी है उतना ही टैक्स लेना, उतना ही पैसा लेना, ये हमारा सिद्धांत है, ज्यादा नहीं है। अभी एक कंट्रोवर्सी हमारे कुछ लोगों ने खड़ी की है, क्या कि डेवलपमेंट चार्जेस, विकास शुल्क बहुत बढ़ा दिया है। पहली बात तो है कि ये आज नहीं बढ़ाया है, ये 2018 में बढ़ाया था, लेकिन वो चलता रहा, चार्ज करते रहे, बहुत उसका कहीं सामने आया नहीं विषय। उस समय ये था कि फिक्स चार्जेस थे, गुड़गावा का ही मैं उदाहरण देता हूँ, जो वहाँ देते हैं 500 रुपया या 5% ऑफ कलेक्टर रेट, जो ज़्यादा है वो लेते हैं, रजिस्ट्रियाँ होती हैं तब देते हैं, हर कोई जाके जमा कराता नहीं है। हम चाहते हैं, आह्वान करते हैं कि भी अपनी म्यूनसिपैलिटी को, नगर पालिका को, नगर निगम को आपने मजबूत करना है तो आप अपनी इनकम बढ़ाइए। अगर इनकम बढ़ाएंगे तो आपके यहाँ के शहर की व्यवस्था अच्छी होगी, क्योंकि वो नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद या ग्राम पंचायत है, जिला परिषद, ये एक अलग पंचायत है, ये स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है।
ये पंचायती राज एक्ट में एक अलग पंचायतें हैं, उनकी इनकम जितनी अपनी ज्यादा बढ़ेगी उतना स्थानीय तौर पर व्यवस्थाएं अच्छी खड़ी होंगी। तो जब ये विषय आया तो हमने कहा कि अच्छा बताइए पहले कितना था, क्या जी सन 92 में 94 में 120 रुपया था। मैंने कहा उस 120 रुपये का और आज जो 5% की वैल्यू है, वो कहते हैं कि जी 5% होने से 100 गज के प्लाट का 2 लाख हो जाएगा। मैंने कहा बैकवर्ड कैलकुलेशन करो, 2 लाख तब होगा जब उस मकान की वैल्यू 40 लाख हो जाएगी। 100 गज का प्लॉट 40 लाख का किस किस का है जरा मुझे ला के दो, पहले तो मैं उसी का हिसाब ले लूंगा कि 100 गज का प्लॉट 40 लाख रुपए का किसका होगा, तभी तो लगेगा ना। अब उस 100 गज के प्लॉट को तो वो गरीब जनता को उकसाने के लिए कह देते हैं 100 गज का प्लॉट, लेकिन जब 40 लाख का हिसाब लगाया भी 100 गज का प्लॉट 40 लाख का होता है क्या, तो उसका हिसाब ये ठीक है बड़े शहरों में होगा, यानी गुड़गांव का, पंचकुला का, 2-3 शहरों की बात कर सकते हैं, लेकिन आम कस्बे में, शहर में तो नहीं है। आम कस्बे में तो 5,000 रुपया 7,000 रुपया गज का हिसाब होगा। 100 गज का मतलब 5 लाख रुपया, 5 लाख का मतलब 25,000 रुपया। तो जीवन में एक बार जिसने अपना मकान बनाया अगर उससे 25,000 लेकर के विकास कार्य कराया जाए तो विकास तो उसी के काम आना है। वहाँ गलियाँ भी बननी है, वहाँ नालियाँ भी होंगी, वहाँ पानी की व्यवस्था भी होगी, सीवरेज की व्यवस्था भी होगी, तो ये सब व्यवस्थाएं उसी विकास शुल्क में आती हैं। मैं विस्तार से इसलिए कह रहा हूँ कि बहकाने वाले खूब आएंगे, क्योंकि आंकड़ों में आम जनता समझती नहीं है, वो जैसा जिसको सूट करता वैसा बोल जाता, जैसा जिसको समझाना होता वो समझा जाता है। तो हम जनता के लोगों को समझाएं कि ये जो टैक्स होते हैं हमारे काम आते हैं, इसका कष्टदायी कष्ट तब होता है कि टैक्स लेते समय जब ये कलेक्शन करने वाली मशीनरी बीच में से टांका लगाने लग जाए, कठिनाई तब होती है। टांका लगाना माने क्या कहेंगे उसको, बोल दो, भ्रष्टाचार। इसको हमने रोकना है, इसके ऊपर चाबी कसनी है, और ये हम ऊपर से नीचे तक जहां पता लग जाए हम छोड़ते नहीं है, चाहे फिर कोई अफसर हो, कर्मचारी हो, कोई नेता हो, कोई कार्यकर्ता हो, या जनता का कोई आदमी हो, क्योंकि ये ऐसा विशेष सर्कल है कि भ्रष्टाचार मेलजोल के बिना नहीं हो सकता। कोई दो लोगों की सहमति बनती है तो भ्रष्टाचार होता है। इस भ्रष्टाचार को रोकना तो जनता को भी आगे आना चाहिए, और जनता आगे आएगी तो निश्चित रूप से इस कलंक से हम बाहर हो पाएंगे। मेरा कुल मिलाकर के आज के दिन इतना ही कहना है कि वित्त व्यवस्था का विषय कोई छोटा विषय नहीं है, बहुत बड़ा विषय है। इसमें ऑडिट भी होता है, उसमें लीकेज भी रोकनी होती है, उसमें प्लानिंग भी अच्छी बनानी होती है, उसमें रेवेन्यू भी ज़्यादा आना चाहिए, उसमें खर्च भी ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन किस मद पर खर्च होना चाहिए ये भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट इसको कंट्रोल करता है। तो मित्रों आज के इस दिन मैं तो हमारा जो वित्त व्यवस्था का सारा विभाग है अभी तक सेक्रेटरीट से ही संचालन होता था, लेकिन वहाँ यानी स्थान का भी अभाव है, और जैसे जैसे व्याप बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये बजट जो कभी 60-70 हज़ार करोड़ का होता था अब वो 1.5 लाख करोड़ से ऊपर बजट हो चुका है, उसी हिसाब से उसके व्यवस्थाएं बढ़ती हैं, एम्प्लाइज भी बढ़ते हैं, आयाम भी बढ़ते हैं। तो यहाँ एक नया भवन जो बनाया जा रहा है 5 मंजिल का, 2 एकड़ के अंदर लगभग 2 साल में बनकर यह तैयार होगा, और यहाँ एक अच्छी व्यवस्था, एक कंट्रोल सरकार के इस आर्थिक व्यवस्था के ऊपर बनेगा। इस विषय के साथ आपको इस भवन के बनने पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, निश्चित रूप से आपका विजन विशेष प्रकार का। मोहनलाल ने कहा और अपने GDP के हिसाब से ऋण बढ़ा सकते हैं, बड़ी खबर। तो विपक्ष के लोग बड़ी चालाकी से आंकड़े बताते हैं, सीएम मनोहर लाल ने कहा, और वित्त भवन का शिलान्यास करते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि विपक्ष के लोग 50% झूठ बोलते हैं। विकास शुल्क पर कुछ लोगों से नाराजगी जाहिर की, तो बहकाने वाले खूब आएंगे, हमें लोगों को समझाना है, बड़ी खबर। भ्रष्टाचार को रोकना है, सीएम मनोहर लाल ने कहा, और सीएम ने कहा कि हर विभाग का अपना अपना अलग अलग काम है और हर विभाग अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमारा राजकोषीय घाटा 2.90%
रहा सीएम मनोहर लाल ने कहा तो पंचकुला में वित्त भवन का शिलान्यास किया और अपनी जीडीपी के हिसाब से ऋण हम बढ़ा सकते हैं, सीएम मनोहर लाल ने कहा। तो विपक्ष के लोग विपक्ष पर भी करारा हमला बोलते हुए कहा कि बड़ी चालाकी से विपक्ष के लोग आंकड़े बताते हैं, उसमें से 50% झूठ होता है। विकास शुल्क पर भी कुछ लोगों ने नाराजगी जाहिर की है और बहकाने वाले खूब आएंगे, हमें लोगों को समझाना है, ये सीएम मनोहर लाल ने कहा। तो पंचकुला में वित्त भवन का शिलान्यास के दौरान सीएम मनोहर लाल ने ये बातें कही हैं।